लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर कार पर होर्डिंग गिरने से जो हादसा हुआ उसमें मां बेटी की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। पुलिस हादसे की वजहों का पता लगाने में जुटी है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर स्कॉर्पियो कार पर नगर निगम की होर्डिंग गिरने से हुए हादसे में एक मां बेटी की मौत हो गई। कार में 3 लोग सवार थे। कार में महिला, बेटी और ड्राइवर सवार थे। हादसे के कारण दोनों की मौत हो गई। कि कार में सवार 3 लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। घायलों को कार से बाहर निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्रेन एवं हाइड्रा की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को उसमें से निकाला गया तथा जो उसमें 3 फंसे हुए घायल व्यक्ति थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया उपचार हेतु, जिसमें एक चालक था जिसका अभी इलाज चल रहा है। परंतु दुखद रूप से जो 2 इसमें महिलाएं थी, जो माँ बेटी बताई गई हैं, उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है अस्पताल में। हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। प्रशासन के अफसर भी मौजूद रहे। एलडीए और नगर टीम के अफसरों ने अपने स्तर से मामले की जांच शुरू कर दी है। आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या है? हादसे को लेकर गाड़ी के ड्राइवर के भाई की तहरीर पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में इकाना प्रशासन पर FIR दर्ज की गई और मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिर हुआ क्या था।